कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 श्री मचिवेंद्र 24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव समिति कुरावली मेनपुरी, अध्यक्ष सुदीप जैन बब्बन, कार्याध्यक्ष श्री जीवनकांत जैन, महामंत्री अनुराग जैन जौली, कोषाध्यक्ष अखिल जैन गुंजन, निरीक्षक रवीन जैन नाती, प्रचार मंत्री प्रखर जैन सराव, सह कोषाध्यक्ष अखिल जैन सोनू। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 18 से 23 जनवरी 2024 के मध्य श्री 1008 श्री मचिनेन्द्र 24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विशिष्ट शांति महानुष्ठान का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मैनपुरी के धर्मधरा कुरावली स्थित देवनागरी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित हुई इस महामहोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी धर्म लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मैनपुरी की धर्मधरा कुरावली स्थित देवनागरी इंटर कॉलेज प्रांगण में 18 से 23 जनवरी 2024 के मध्य श्री 1008 श्री मचिनेन्द्र 24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महानुष्ठान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 23 जनवरी को आयोजित हुए इस महोत्सव का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक करने के साथ किया। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन से संकट सारे हरते हैं, संकट सारे हरते। अभिषेक के बाद जिनेन्द्र भक्तों ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हं सं तं पं वं बं वं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झुं झुं छुं छुं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाज पाज। ओम नमो रं झं झं झुं छुं हं सं झं पं या सा छा छिं छुं छिं छुं झा छिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं रं 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 राम ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। शांति धारा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव के साथ विधान के अर्घ्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। सन्निधि करणाम दिव्य पुष्पांजलम छिपे श्री देवसा गुरुभ्या विद्यमान मिसति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतान परमेश्वरेभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रवपामते स्वाहा। विद्यमान मिसति तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतान परमेश्वरेभ्यः अक्षय पद प्राप्ते क्षितान द्रवपामते स्वाहा। विश्व सुगंधि से आत्मनि शील स्वभाव नशाया है मन मत मानो सी बिंद करके चौगत में दुख रूप जाया है। करेभ्यः श्री अनंतान परमेश्वरेभ्यः कामण विध्वंसनाय पुष्पम द्रवपाम ते स्वाहा। शक्ति दखन प्रगटाने को श्री देव सात गुरु को ध्यान श्री देव सात गुरुभ्य विद्वान में सती तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद परमेश्वरेभ्य दुष्टाष्टक महनाय धूपम द्रवपाम ते स्वाहा। घातिया कन में गर्गंदे दी मोक्ष दानी अनेकांत में बात सांगी बखानी नमो लोक माता श्री जन समता राधु नगन वेश धारी सुई का विहारी निजानंद मुकद पथ प्रसारी निरीक्षित। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरुभ्यः विद्यमान में सती तीर्थंकरेभ्यः श्री अनंतानंद सत परमेश्वरेभ्य जलादि जयमाला पूर्ण अर्घ्यम नृवपामिते स्वाहा।
अनुसार जजूम कर समाधि ओम। ह्रीम त्रिलोक संबंधी ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पातालोक संबंधी समस्त कृतिम आकृतिम जिन चैत्यालय स्थित जिन बिंबेभ्यो नमः जलादि अर्घ्यम नृपपामि ते स्वाहा। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने क्रमानुसार मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम रीम सर्व्याग मंडल दीप्तवना जयमाला पोंडरगम निर्वपामि दी स्वाहा। कार्यक्रम में अब समय आया मोक्ष कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में लीन है, तभी अचानक एक अद्भुत ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है। उसी पद्मासन अवस्था में कैलाश पर्वत के ऊपर जहाँ बर्फीला स्थान है वहाँ पर वो ध्यान में मग्न हो गए और ऐसे ध्यान में मग्न हुए चार अघातिया और शरीर भी जल करके भस्म होकर और वहीं से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। आदि दानांगत वर्तमान कालत सिद्धानम सब सिद्धानम शारज कालम अंजमि पूज्यमि वंदामि नमस्यामि दुखको कुमको बोहिलाहु शुगई मरणम शमाही मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम मोक्ष कल्याणक बेलायाम श्री सिद्ध भक्ति का अभिषेक। इसके बाद अग्निदेव कैलाश पर्वत पर पहुंचकर तीर्थंकर प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। शांति कलश स्थापन करूंगी दी अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविका उन्हें मांगलिक क्रियाएं कर हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम ह्रीम चुरभ्या। ओम ह्रीम पाठकेभ्या। ओम ह्रीम सर्व साधुभ्या। ओम ह्रीम जिन धर्मेभ्या। Oh,
सर्व प्रबंधे ओम ह्री मदन जननाथ सर्व प्रबंधे ओम ह्री मनपम जननाथ सर्व प्रबंधे ओम ह्री रत्नत्र सर्व प्रबंधे ओम ह्री समेत फिर से हाथ जोड़े ओम ह्री मदन जाताए ओम ह्री सत्कर्मणे ओम ह्री ग्रामते ओम ह्री मनादि सुरत्राए। हवन में आहुतियां देने के पश्चात जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को रथ एवं वाहनों में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मंगल में घर पे पर दीजे महावीर की विशेष जिन धर्म गगन चिन्ह कर दीजे के मनाएंगे बेरगी और सर्वजगी तुझे कल्याण प्रभु हर्षोल्लास के साथ गुरुवर सत्संग के सानिध्य में गंतव्य की ओर अग्रसर हो रही शोभा यात्रा क्षेत्र वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर सर्वप्रथम श्राविकाओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए।
तदुपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंदिर जी में नवीन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। पूज्य मंत्रोच्चार के वेदी की है करी प्रतिष्ठा, वेदी की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करी तीर्थंकर का। भक्तों की इस शुभ अवसर पर भीड़ छुट्टी है बड़ी अपार, भाव में डूबे भक्त कर रहे तीर्थंकर की जय जयकार, तीर्थंकर की जय जयकार। बरस रहे हैं रंग धर्म के, बरस रहे हैं रंग धर्म के, उत्सव में दातार के, वेदी की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करी तीर्थंकर का। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 18 से 23 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र चौबीसी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महानुष्ठान के पावन दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर मैनपुरी के धर्मधरा कुरावली स्थित देवनागरी इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित हुए इस महानुष्ठान में श्रद्धालुओं ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ तो अर्जित किया है, साथ ही विधान पर अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र चौबीसी जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव समिति कुरावली मैनपुरी, अध्यक्ष सुदीप जैन बब्बन, कार्य अध्यक्ष श्री जीवनकांत जैन, महामंत्री अनुराग जैन जौली, कोषाध्यक्ष अखिल जैन गुंजन, निरीक्षक प्रवीण जैन नाती, प्रचार मंत्री प्रखर जैन सराफ, सह कोषाध्यक्ष अखिल जैन सोनू।